नमस्कार सुमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आम पापड़ बना लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर 1 किलो आम को धो के लेके रखी हूँ और इसका छिलका निकाल लूँगी। तो यहाँ पर सारा आम जो है उसका छिलका निकाल के अब मैं यहाँ पर रख दी हूँ। अब जो आम का पल्प है उसको ऐसे काट के चाकू से मैं निकाल लूँगी। उसके बाद पल्प सारा निकलने के बाद मैं इसको मिक्सी जार में डाल दूँगी और इसको स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। आम पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। तो इसको ढक्कन लगा के अब मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आम जो है पीस के तैयार हो गया है। मैं पहले से ही गैस पर पैन चढ़ा के रखी थी, तो पैन में अब मैं आम का जो पल्प है उसको ढाल दूँगी और इसको थोड़ा समय के लिए मैं चला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी 200 ग्राम जैसा मिला दूँगी। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा हो तो आप इसमें अपना हिसाब से कम और ज़्यादा चीनी मिला सकते हैं। कोई कोई इसमें नींबू का जूस भी देते हैं, तो आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच नींबू का जूस भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैं इसको चला चला के थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको पका लूँगी। इसको पकाने में 10 से 12 मिनट जैसा लगेगा। इसको पकाते वक्त आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, इस वजह से छींटे पड़ते हैं। थोड़ा सा सावधानी से इसको आप इसको पकाइए। तो देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैं चला चला के आम का जो पल्प है इसको मैं पका ली हूँ। तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको ठंडा थोड़ा सा करके मैं एक थाली में थोड़ा सा घी ग्रीस कर दूँगी और उस थाली में मैं जो आम का पल्प है इसको ढाल दूँगी और इसको सूखने के लिए धूप में रख दूँगी। एक दिन अगर अच्छा धूप हो तो एक दिन में ही सूख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे फैला के और मैं इसको छत पर रख दूँगी सूखने के लिए। यहाँ पर एक दिन के बाद देख सकते हैं आम पापड़ जो है सूख के तैयार हो गया है। तो इसको मैं ऐसे चाकू से साइड से निकाल दूँगी, एकदम आसानी से निकल जाता है। कितना सुंदर ये सूखा है, एक दिन में ही सूख गया है। इसको निकालने में रोटी जैसा ये निकल जा रहा है। तो ऐसे आम पापड़ आप लोग भी बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देख सकते हैं कितना अच्छा आम पापड़ बन के तैयार हुआ है। जिसको मैं फोल्ड करके और उसको चाकू से मैं काट लूँगी। इसको आप बना के साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और ये रोटी के साथ खाने में भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी खाने में अच्छा लगता है, बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, कोई भी बना सकता है। बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा सामग्री का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। आम और चीनी से आसानी से बन जाता है। तो देखिए इसको मैं अब काट के और इसको अब मैं रख दूँगी और ऐसे देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग का मेरा रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।